हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने टॉप 10 मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ अंडर ₹200। 200 रुपये से अंदर में आपको कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने कोशिश करी है कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ वो सब डिफरेंट कैटेगरीज से हो। मतलब ये नहीं कि मैंने टॉप 10 में 6 लिपस्टिक्स ही दिखा दी है या 6 काजल दिखा दिए है, 6 नेल पॉलिश दिखा दी है, तो सब डिफरेंट कैटेगरीज में से हो। उन कैटेगरीज में से हो सकता है कि मुझे एक दो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद हो। जैसे अगर मैं कोई कॉम्पैक्ट दिखा रही हूँ तो हो सकता है मैं आपको दो कॉम्पैक्ट दिखा दूँ, या लिपस्टिक है तो उसमें दो लिपस्टिक दिखा दूँ। पर जो मेरी सबसे फेवरेट है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ डिफरेंट कैटेगरीज में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये फैशन कलर्स की लिपस्टिक है और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। दिस इज लॉन्ग लास्टिंग, सुपर मैट, लगाने में बहुत ही कंफर्टेबल है, क्रीमी मैट की तरह आपको ये लगेगी और कुछ सेकंड्स के बाद ये एकदम ही लिक्विड लिपस्टिक की तरह ड्राई हो जाएगी, प्रॉपर मैट हो जाएगी। मैंने अभी लगा रखा है इसका ये शेड, दिस इज नंबर 57 रस्टिक ब्राउन। तो ये ऐसी एक डार्क ब्लू कलर की पैकेजिंग में आती है ये वाली है, और दूसरी इसकी आती है ये ग्रे कलर की पैकेजिंग में। तो और दोनों का प्राइस 200 रुपीज़ है। मुझे पता नहीं कि पैकेजिंग अलग क्यों है इन दोनों की, पर अब ब्लू में आती है ये मेरी एक साल पुरानी लिपस्टिक है, एक डेढ़ साल पुरानी, और ये भी बहुत ही अच्छी है। तो इस पे लिखा हुआ है विविड चार्मिंग कलर और इस वाली पे लिखा हुआ है सुपर स्टे। तो दोनों ही बहुत अच्छी है, प्राइस भी सेम है, पर इसकी क्वालिटी वाइज अगर देखें तो इसकी ज़्यादा बेटर क्वालिटी है, लगाने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। पर दोनों ही मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरे पास जितनी भी लिपस्टिक्स है अंडर 200 की उसमें से ये सबसे बेस्ट है। और मेरे पास जैसे ये शेड मैंने आपको बताया 57 है जो मैंने लगा रखा है, इसका एक और शेड है मेरे पास आई थिंक दैट इज 47 जो मैं बहुत सारी वीडियोज़ में लगाती हूँ, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और जिस भी प्रोडक्ट्स के मुझे लिंक्स मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँ। सो द सेकेंड प्रोडक्ट इज ADS बनाना पाउडर, और आपने मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में देखा होगा कि मैंने इस बनाना पाउडर को ही यूज़ करा है, चाहे मैं कितना भी महंगा फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, पर इस पाउडर को मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है क्योंकि बहुत ही ट्रस्टवर्दी मेकअप पाउडर है। एंड मेरे पास लैक्मे का भी पाउडर है, तो लैक्मे का भी बहुत अच्छा है रोज़ पाउडर, बिकॉज दैट इज़ गुड फॉर ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन एंड इवन फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। तो ये जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन रहती है ना उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और मेरा जो लैक्मे रोज़ पाउडर था वो मैंने एक्चुअली इसके बाद ख़रीदा था पर वो ख़त्म हो चुका है, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको उसके रिव्यू में भी, आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लेना, कि जब मुझे एक दो घंटे के लिए बाहर जाना होता है तब मैं उसे यूज़ करती हूँ। तो रेगुलर बेसिस में डेली तो मैं वही यूज़ करती थी, इवन जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ यहाँ पे यूट्यूब के लिए मैं मेकअप नहीं करती हूँ, सिर्फ पाउडर जो कॉम्पैक्ट होता है वो यूज़ कर लेती हूँ और एक लिपस्टिक। तो मैं सिर्फ वो लैक्मे का रोज़ पाउडर लगाती थी और लिपस्टिक, पर आज मैंने ये ADS का बनाना पाउडर लगाया क्योंकि अभी मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली हो रही है, ह्यूमिडिटी हो गई है, तो स्किन ना चिपचिपी सी हो रही है, अभी बीच में कॉम्बिनेशन हो गई थी, फिर विंटर्स में ड्राई भी हो गई थी, तो मुझे लैक्मे का रोज़ पाउडर बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये दोनों पाउडर्स बहुत अच्छे हैं, लैक्मे रोज़ पाउडर और ये ADS का बनाना पाउडर। फिर मेरे पास कुछ नेल पॉलिशेस है, और नेल पॉलिशेस तो मेरे पास बहुत सारी है और काफ़ी सारी नेल पॉलिश आपको अंडर 200 की मिल जाएगी, पर मैं आपको कुछ ब्रांड्स बता देती हूँ जो मेरे पर्सनल फेवरेट है क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई करे अंडर 200 के भी। तो जैसे नायका की ये जो मैट रेंज आती है ये बहुत अच्छी है, इनकी मैट वाली रेंज, और क्या कहते हैं इनका जो नियॉन वाला है, जैसे नियॉन ग्रीन है या फिर नियॉन येलो कलर है, तो वो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी जो इनके इन टाइप के कलर आते हैं न्यूड वाले वो काफ़ी अच्छे हैं, और ये आपको आफ्टर डिस्काउंट 175-180 तक के मिल जाएंगे। और ये कलर बार की भी आती है ये, तो ये कलर बार की ये जो नेल लैकर आता है केराटिन वाला, तो ये 199 रुपीज़ का आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है इनकी भी, और डिस्काउंट पे आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, पर अगर अंडर 200 आपको ट्राई करना है तो ये काफ़ी अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग, कलर पे ऑफ, एवरीथिंग इज रियली गुड। और इससे भी कम में आपको कुछ ट्राई करना है तो मुझे ये जूस की मैट वाली जो आती है ये भी बहुत अच्छी है, 60 रुपीज़ की आती है, पर मुझे मैट वाली ज़्यादा बेटर लगती है क्योंकि इसका जो लुक आता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है इसकी जो नॉर्मल वाली नेल पॉलिश आती है। और अभी फ़िलहाल मैंने लगा रखी है ये बेला वोस्टे की नेल पॉलिश, अगर आपको जानना हो तो यहाँ पर है ये, और इसका प्राइस अराउंड 250 रुपीज़ है, पर डिस्काउंट पर देख लेना अगर आपको सस्ती मिले क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छी नेल पॉलिश है। और इसको जब मैंने लगाया था ना तो ये बहुत जल्दी सूख गई थी और मैंने सिर्फ एक ही कोट लगाया, एक कोट में इतना अच्छा क्रोम फिनिश, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये थी मेरी कुछ फेवरेट नेल पॉलिशेस अंडर ₹200। फिर मेरे पास ये मियोन का 3D हाइलाइटर है और इसका प्राइस अराउंड 150 था, इस पर लिखा तो खैर नहीं हुआ है पर हाँ अराउंड 150 था, और ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, आपको ये काफ़ी कलरफुल लग रहा होगा,
पर जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तो ये पूरा रोज़ गोल्ड कलर आता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो दिखाती हूँ इसका स्वाच, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये हाइलाइटर। और इसका ये वाला शेड भी है यहाँ पर नीचे, इससे थोड़ा सा डीप कलर है। और यहाँ इसका ये स्वाच है, इससे थोड़ा सा ये डार्क है, थोड़ा पीच में है ये, तो ये डस्की स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा। और ये फिर पिंक में, तो ये भी बहुत सुंदर है, इसको आप एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है ये 150 रुपीज़ का, तो ये पैलेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इट्स अ मस्ट ट्राई। और अगर आपको इससे भी सस्ता कुछ लेना है तो वैसे तो ये आई शेडो है, आई शेडो हाईलाइट, तो ये है इन कलर का एंड दिस वॉज फॉर आई थिंक 100 रुपीज़। तो ये आपको ना थोड़ा सा सिल्वर गोल्डन मिक्स हाईलाइटर है, इसमें रिफ्लेक्स है गोल्डन के, तो ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगता है। तो ये दोनों हाइलाइटर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर जब बेस की बात आती है ना, तो अभी भी सबसे ज़्यादा मैं ट्रस्ट पॉइंट्स बीबी क्रीम को ही करती हूँ, अगर अंडर 200 रुपीज़ हम देखें। वैसे तो अभी इसका एक और शेड आ गया जो मैंने अभी ट्राई नहीं करा है, मुझे करना है वो शेड भी ट्राई। तो ये इसका जो पुराना वाला शेड है, जो एक सिंगल शेड में आता था, तो यही है मेरे पास। और अंडर 200 के लिए मुझे यही पसंद है, और ये वाला था सिर्फ 80 रुपीज़ का। फिर मेरे पास ये स्केच आईलाइनर है, एक ब्लू हेवन का है और दूसरा वाला है ये मेलियाओ कॉस्मेटिक्स आता है, उनका ये स्केच आईलाइनर है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वैसे सिवाना का भी स्केच आईलाइनर आता है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये सभी 200 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएंगे। ब्लू हेवन का अराउंड 150 का मिल जाएगा आपको आफ्टर डिस्काउंट, और ये वाला भी इतने ही रेंज का है, 150-160 का। और सिवाना का भी आता है, वो भी आपको अंडर 200 ही मिलेगा, और तीनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद मेरे पास ये एसेंस का गेट बिग लैशेस मस्कारा है, दिस इज़ वॉल्यूम कर्ल मस्कारा, और इसका प्राइस अराउंड 250 समथिंग है, पर आपको ये आफ्टर डिस्काउंट 200 से कम का मिल जाएगा, अराउंड 195 का। तो ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है। वैसे तो ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो समर्स के लिए विंटर्स में आप इसे लगा सकते हो, मॉनसूनस में तो थोड़ा सा ये इतना ठीक नहीं है, पर बाकी टाइम जब मुझे वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं लगाना होता है तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है इससे और प्राइस भी काफ़ी कम है। फिर ब्लशेस में मेरे पास ये सिवाना कलर्स का ब्लश है, और इसका शेड है 01। इसमें थोड़े से शिमर्स भी है, पर ये बहुत ही सुंदर कलर है, और ये आपको अंडर 200 मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे और भी कलर्स आते हैं, आप अमेजोन पे चेक करना, आपको इसके काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। मतलब अंडर 200 भी सिवाना के और भी ब्लश आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने ट्राई करे हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स के पास है। और ये वाला भी जो आता है, ये भी बहुत ही अच्छा है, कलर बहुत सुंदर लगता है, और स्पेशली इंडियन स्किन टोन पे ना ये सब पीच कलर है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और ये भी आपको आफ्टर डिस्काउंट या विदाउट डिस्काउंट भी आप लोगे ना, तो आपको अंडर 200 मिल ही जाएगा। फिर मेरे पास ये आईब्रो पेंसिल है, एंड दिस इज़ फ्रॉम मेबेलिन, और ये है इनकी फैशन ब्राउ आईब्रो पेंसिल, और मेरे पास है ग्रे कलर, जो कि मेरी आईब्रो से बहुत अच्छे से मैच कर जाता है, और बहुत अच्छा लगता है ये यूज़ करने पर। तो ये इस तरीके से पेंसिल फॉर्म में आती है, जो अप्लाई करने में बहुत ही इजी होती है, और इतनी ज़्यादा ना डार्क भी नहीं होती। आपको लग रहा होगा कि बहुत डार्क लगेगी ये, पर ना ये बहुत स्लाइट सा ना ग्रे कलर है, तो बहुत नेचुरल लगती है आईब्रोज इसे यूज़ करके। और वैसे मैंने सुना है मिस क्लेयर की भी आईब्रो पेंसिल अच्छी है, पर मैंने ट्राई नहीं करी, तो मुझे बताना अगर आपने ट्राई करी होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसी है, तो मैं भी ट्राई करूँ। तो लास्ट है मेरे पास ये स्विस ब्यूटी की लिप क्रीम, और मैं थोड़ी सी ना अभी गीली हो गई हूँ, मुझे गीला पूरा बाल मेरे गीले हो गए हैं, क्योंकि मेरा डॉगी भाग गया था, जितने मैं पकड़ने गई तो बारिश होने लगी, और मैंने स्वॉच वगैरह सब कर लिया था पर बीच में ही वो चला गया। तो ये जो लिप क्रीम है, तो ये 200 रुपीज़ की आती है, डिस्काउंट पर भी आपको मिल जाएगी, और मेरे पास सिर्फ इसका एक ही कलर है, पर इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको लिप क्रीम्स के लिए जाना है तो ये आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है और स्टेइंग पावर वगैरह सब कुछ इसका निक्स और मिस क्लेयर जैसा ही है, और क्या कहते हैं ट्रांसफ़र प्रूफ भी है, और आप इसको एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो, चीक कलर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, पर अगर कोई लाइट शेड है तो इन शेड्स को तो आप एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हो, तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अंडर 200 रुपीज़। सो डैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, और अगर आपको ये पसंद आई होगी सो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं तो वो सब काफ़ी अच्छे, आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं। और मैंने अपने डॉगी के बारे में भी बताया था, तो एक्चुअली वो स्ट्रीट डॉग है, तो वो मेरे जस्ट घर के बाहर ही रहता है, अभी उसकी ग्रूमिंग के लिए बुलाया था, तो वो वैन देख के भाग गया था, तो उसी को पकड़ने के लिए मैं गई थी।
तो बस इतना ही, और मेरे सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर लेना, आपको वहाँ पे सारी अपडेट्स मिल जाएगी डॉग की या मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, मैं सब वहाँ पे अपडेट्स देती रहती हूँ. सो डू फॉलो, सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो अब मैं जाती हूँ, जल्दी मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय.